नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रही हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय दत्ता। आम चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं और देश की 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बाकी है। उन 20 सीटों में अब यहां पर शुमार है बिहार की 8 लोकसभा सीटें। बता दें कि बिहार उत्तर प्रदेश के साथ इन लोकसभा चुनावों में वो राज्य रहा जहां पर सभी चरणों में वोटिंग हुई। अब यहां पर बिहार की 32 सीटों पर 6 चरण में मतदान हो चुका है, तो अब 7वें चरण में बाकी बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। उसी में शामिल है बिहार की कई लोकसभा सीटें। लेकिन इस बीच आरजेडी की तरफ से बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव और रामविलास लोजपा के प्रमुख और हाजीपुर से मौजूदा सांसद चिराग पासवान के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल हाल ही में एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने तेजस्वी को लेकर तंज कसा था और कह डाला था कि चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव को ये सब चीजें छोड़कर के अब सिंगर बन जाना चाहिए, अब नाच गाना कर लेना चाहिए। इसके बाद तेजस्वी यादव उनके बयान से खुश नहीं हुए और जवाब देते हुए कहते नजर आए कि चिराग पासवान को इतना नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो बयान यहां चिराग पासवान ने दिया और उस पर जो प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आई, उससे पता चलता है कि तेजस्वी चिराग के बयान से बेहद ही खफा हो गए, जो सीधे तौर पर यह तक कह डाला कि इतना नहीं बोलना चाहिए। बता दें कि तेजस्वी यादव की आरजेडी बिहार की 26 लोकसभा सीटों पर पहले चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी को इंडिया गठबंधन में मिलाने के बाद आरजेडी प्रदेश की 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जहां पर उसका साथ वीआईपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और अन्य वामदल दे रहे हैं। तो चिराग पासवान की रामविलास लोजपा, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, अजीत अनामाजी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के समर्थन के साथ प्रदेश 5 सीटों पर चुनावी मैदान में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।